नमो नमः, गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों। फोगाट कोजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुरारी लाल कोजी का आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा हरियाणा पीजीटी संस्कृत स्क्रीनिंग मॉक टेस्ट का 35वां भाग है, जो साथी हरियाणा पीजीटी संस्कृत, यूपी टीजीटी पीजीटी या डीएसएसबी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आप नेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम है जो नेट के पर डिपेंड है, जो नेट के अकॉर्डिंग इसका पैटर्न है, तो उन सभी के लिए जो सीरीज़ है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो साथी नेट की तैयारी करने के लिए, हमने पिछले लास्ट टाइम जो नेट से पहले भी हमने 30 भाग कम्प्लीट किए थे, ऐसे ही आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और इसके जो पहले 34 भाग हैं उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि इसमें हम 5 से 10 सेकंड का समय रखते हैं एक प्रश्न के लिए, क्योंकि ये सीरीज़ जो है हमारी कंटिन्यू चल रही थी, लेकिन किसी तरह लास्ट हम लगभग 20 दिन ही हम इसको नहीं कर पाए, क्योंकि 10 दिन के आसपास तबीयत ख़राब थी, तो उसके बाद 10 दिन उसको रिकवर करने में। तो अभी जैसे धीरे धीरे ट्रैक पर आने का प्रयास किया जा रहा है, कि जैसे हमने इसका कल 34वां भाग किया, आज 35वां, तो प्रयास करेंगे। और एक जैसे बहुत से साथियों के यूपी के लिए भी आ रहे हैं हमारे पास में सेशंस, या आप डाउट्स हैं कि यूपी के लिए भी हम सीरीज़ शुरू करें, डीएसएसबी पीजीटी का एग्ज़ाम होना है, देखो साथियों उसके लिए एक क्राइटेरिया जो है, एक प्लान होता है उसके लिए तैयार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो आपको उसके लिए सूचित कर दिया जाएगा। और जो साथी अभी चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी साथी जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें एक बार शेयर ज़रूर कर दें इस लिंक को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो है जुड़ सकें और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाया जा सके। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, यूपी टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे, जो कि अभी हमारे पास समय है कुछ, जिससे कि हम एक प्रॉपर जो उसका लेसन है, जो प्रॉपर एक क्राइटेरिया है, सिलेबस है, जो उसको एक बार स्टडी किया जा रहा है, कि उस हिसाब से फिर हम उसकी जो वीडियोज़ हैं उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम इसका 35वां भाग कर रहे हैं। तो कल हमने 25 क्वेश्चन किए थे, वैसे हमने एक भाग में लगभग 50 के आसपास प्रश्न रखे हैं, कई बार 30 कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो कल 25% ही करवा पाए थे। तो आज हम इसका प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। वने चरह युधिष्ठिरम कुत्र समायु, बद्री वने, काम्यक वने, सिद्ध वने और द्वैत वने। और जो साथी नए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर किसी साथी का डाउट है किसी प्रकार का, तो टेलीग्राम पर एक डिस्कशन ग्रुप भी है उसी जो आपके ग्रुप से रिलेटेड, तो आप वहाँ किसी प्रकार का डाउट्स भी है वो भी पोस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम आप साथी सुझाव दे देते हैं वहाँ पर, हमें तो रिप्लाई करने की भी इतना नहीं होता, क्योंकि साथी जो हैं बहुत ज्ञानी हैं, बहुत अच्छे से जानकार हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कहीं ना कहीं, तो डाउट्स आपके वही सोल्व कर देते हैं साथ साथ ही। अगर ऐसा कुछ नहीं तो हम भी उसको देखते रहते हैं टाइम टाइम पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को भी। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 26 का जो आंसर होगा वो है हमारा द्वैत वने। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, द्वैत वने। वने चले दूसरे कुत्र समायु, द्वैत वने, तो डी यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अम्बरात अवतरंतम मुनिम श्री कृष्ण है कुत्र ददर्श, देवकी सदमनि, बलराम सदमनि, वसुदेव सदमनि या उद्धव सदमनि। अम्बरात अवतरंतम मुनिम श्री कृष्ण है कुत्र ददर्श, तो यहाँ पर है हमारा ऑप्शन सही होगा सी, वसुदेव सदमनि, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मल्लिनाथ कृतायाः नैषध व्याख्यायाः नाम किम, संजीवनी, जीवातुः, तरला और चंद्रकला। देखो साथियों, हमने लगभग 30 के आसपास जो पहले भाग हैं हमारे इसी सीरीज़ के, हमने उनको डिटेल में किया है कंप्लीट। जिस साथियों ने उनको नहीं देखा है तो वो एक बार समय निकाल कर, जो 30 के 30 भाग हैं, जो इससे पहले 34 भाग हैं वैसे, तो आप उनको ज़रूर देखें, कि जिससे कि हमारा जो पूरा जो सिलेबस है अच्छे से कवर हो पाए। और अभी भी हम जो कुछ चीज़ छूट जाते हैं, कुछ साथियों के प्रश्न आते रहते हैं, तो वो भी हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा जीवातुः, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। मल्लिनाथ कृतायाः नैषध व्याख्यायाः नाम किम, जीवातुः, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, नोट कर लें आप, जीवातुः। अपन अधस्तरम युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम विचिनोति, यहाँ पर हमें तालिका को मिलाना है, तो यहाँ पर रघुवंशम, नैषधम, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, 18 सर्ग 1040 श्लोक, 20 सर्ग 1633 श्लोक, 19 सर्ग 1509 श्लोक और 22 सर्ग 2804 श्लोक।
और मैं एक बार फिर स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूँ साथियों का जिन्होंने इस टाइम पीरियड के अंदर जो 20 दिन हम वीडियो नहीं कर पाए उनके लिए जो भी उन्होंने मैसेज किए टेलीग्राम पर हो या व्हाट्सएप पर हो, तो उसके लिए स्पेशली थैंक्स आप सभी का आपके विशेज के लिए। अब ठीक है, तो अब हम सीरीज़ को कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। और जो कुछ साथियों के प्रश्न हैं बीच में, जैसे अजय शास्त्री जी का प्रश्न था कि संस्कृत प्रत्यय से संबंधित कोई वीडियो वगैरह, देखो उसके लिए अभी प्रयास सोच रहे हैं हम कि जैसे जो एक साथ साथ सिलेबस जो है कंप्लीट एक एक पॉइंट को कवर किया जाए, डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए, तो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं हम। जैसे ही थोड़ा सा टाइम सा भी, क्योंकि कुछ चीज़ मार्केट से उसके होता है लेकिन वो अभी पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है, तो अभी उसमें थोड़ा समय है। तो यहाँ पर रघुवंश ने सत कर, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ एक बार, ये देख लीजिए एक बार, प्रश्न याद कर लें अच्छे से, उसके बाद ऑप्शन हमें समझ आ जाएगा। ये हमारे सामने ऑप्शन है, तो यहाँ पर अगर हम उसको मिलान करते हैं, जैसे सबसे पहले रघुवंश है, रघुवंश में अगर हम सर्ग से ही देखें तो मैं उससे ही हमारा टिक मार्क जो है सही हो जाएगा, 19 सर्ग हैं। नैषद में 22 सर्ग हैं, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। किरातार्जुनीयम है, किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, और उसके बाद शिशुपाल वध उसमें 20 सर्ग हैं। श्लोक आप यहाँ पर देख सकते हैं सब में कितने कितने श्लोक हैं, ये आप इससे देख सकते हैं। वैसे इस प्रश्न में हमें श्लोकों का इतना नहीं है क्योंकि हमें सर्ग से ही सभी अलग अलग हैं, और अगर हमने जैसे बृहत्तरी से हम देखें तो किशन है, अगर हमें एक यही पता है तो हम इससे भी हमारा सही हो जाएगा। 18, 20 और 22 सारे इसी में हैं, जो हमने एक सिंगल ट्रिक के अंदर पूरा प्रश्न फंसा हुआ है हमारा यहाँ पर। तो ये ऐसे जो आपको बताया जाता है साथ साथ ही ये हमें याद होने चाहिए। देखो इसमें पूरा प्रश्न जो है हमारा इसी से ही सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस साथी को लेना है। रघुवंशम 19 सर्ग 1509 श्लोक, नैषद 22 सर्ग 2804 श्लोक, किरातार्जुनीयम 18 सर्ग 1040 श्लोक, और शिशुपाल वध 20 सर्ग 1633 श्लोक। पुष्पपुरी कस्य देशस्य शिखरी भूता वर्तते, मगध देशस्य, वंग देशस्य, गुर्जर देशस्य या अंग देशस्य। पुष्पपुरी कस्य देशस्य शिखरी भूता वर्तते, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मगध देशस्य। ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, मगध देशस्य। पुष्पपुरी कस्य देशस्य शिखरी भूता वर्तते, मगध देशस्य। हर्षश्रिते महान अयम भुजंग इति राजा कमुदिश्य कथयति, अन्नम भट्ट, बाणम भट्टम, जयंत भट्टम या गागा भट्टम। हर्षश्रिते महान अयम भुजंग इति राजा कम उदिश्य कथयति, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा बाण भट्टम। तो बी ऑप्शन जो यहाँ से होगा हमारा बाणभट्टम। चंद्रापीडस्य माता का, कादंबरी, महाश्वेता, विलासवती या चंद्रलेखा। चंद्रापीडस्य माता का, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा चंद्रापीडस्य माता का विलासवती, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा विलासवती। कल्पना अभिज्ञान शाकुंतलस्य नांद्याम शिवस्य कति मूर्तयः उल्लिखिता, 8, 9, 10 और 11। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नांद्याम शिवस्य कति मूर्तयः उल्लिखिता, 8, 9, 10 और 11। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नांदी है उसमें शिव की कितनी मूर्तियों का उल्लेख किया गया है, 8, 9, 10 या 11। उसमें जो है 8 का उल्लेख किया गया, तो 8, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 8। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नांद्याम शिवस्य कति मूर्तयः उल्लिखिता, 8। शंकनीया हि लोके अस्मिन् निष्प्रतापा दरिद्रता इति दारिद्र्यम कस्मिन् नाटके प्रतिपादितम्, वीणी संहारे, मृच्छकटिके, शाकुंतले या दूतवाक्ये। समझता हूँ,
संगिनिया ही लोके अस्मिन निष्प्रतापा दरिद्रता इति दारिद्र्यम कस्मिन नाटके प्रतिपादितम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो सही होगा मृच्छकटिके के, बी ऑप्शन जो है सही है हमारा। और मृच्छकटिकम के बारे में जो भी आप जानते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, जो भी आप इस पुस्तक के बारे में जानते हैं जितना भी आपको है डिटेल में लिखें, जैसे हम पहले लिखते आए हैं। तो आप मृच्छकटिकम के बारे में जितना भी आपको नॉलेज है इस पुस्तक के बारे में, जितना भी आप 360 डिग्री एंगल से आप इसको जानते हैं उतना आप लिखें इसके अंदर, और लिखने में देवनागरी लिपि का प्रयोग करें। उत्तर रामचरित तृतीय अंक से नाम क्यों, उत्तर रामचरित तीसरे अंक का नाम क्या है, चित्रपट दर्शनांक है, वनांक है, छायांक है या कुमार दर्शनांक है। उत्तर रामचरित तृतीय अंक से नाम किम, उत्तर रामचरित तीसरे अंक का नाम क्या है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा छायांक। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, छायांक है ये, कई बार जो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है छायांक का है, तो छायांक का हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है, उत्तरांचल तृतीयांक से नाम किम छायांक है। अगला ऑप्शन है अधस्तनी गुणा समीचनाम तालिका विचुनौत, यहाँ पर हमें सही तालिका चुननी है, वेणी संहार, रत्नावली, उत्तरांचलितम, स्वप्न वासवदतम, भास है, भवभूति ही, श्रीहर्ष है और भट्टनारायण है। ऑप्शन देख लें एक बार, तो यहाँ पर अगर हम मिलान करें इसका तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने है, और देखो अगर एग्ज़ाम में मैंने आपको कई बार कहा हमें अगर चारों ऑप्शन नहीं पता है तो हमें जो भी पता है हम उसके हिसाब से देख सकते हैं। हमें यहाँ अगर मान लो हमें यहाँ पर उत्तरामचरितम पता है, सिर्फ एक ही पुस्तक मुझे याद है मान लो उत्तरामचरितम, तो मुझे सीधा पता है भवभूति जी, तो यहाँ पर हम सी के सामने तीसरा ऑप्शन कौन, तो यहाँ पर सीधा अगर हम यहाँ पर इसको मिलाते हैं तो सी के सामने अगर हम सेकंड देखें तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है वो है डी। देखो हमारा प्रश्न कितना जल्दी सोल्व है, जब हमें पूरा नहीं भी पता है तब भी हम उसको आसानी से कर सकते हैं। अब बाकी भी देख लेते हैं, वेणी संहार जो है वो भट्टनारायण जी, और उसके बाद सेकेंड जो है रत्नावली, श्रीहर्ष है, उत्तर रामचरितम, भवभूति और स्वप्नवास दत्तम भास है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है वो डी सही है। तो अगर हमें पूरा नहीं भी पता है तब भी हम उसको आसानी से टिक मार्क कर सकते हैं, अगर हमें उसमें एक या दो पता है, कई बार एक में ऑप्शन नहीं हो पाता तो हमें सेकंड भी देखना पड़ता है, तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं आराम से। गुण संधि विधायकम सूत्रम क्यों, गुण संधि विधायक सूत्र जो है कौन सा है, अदेंग गुण है, आद गुण है, अतो गुण वचनात् गुणो यंग लुको, तो गुण संधि जो विधायक सूत्र कौन सा है यहाँ पर, तो वो है आदगुण है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा आदगुण है। अगला प्रश्न है सदृशम त्रिशु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु इति कस्य लक्षणम, ये किसका लक्षण है, शब्दस्य, धातोः, उपसर्गस्य या अव्यस्य। सदृशम त्रिशु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, साथियों ये सीरीज़ कैसी लग रही है आपको, आप बताएं किसी को, जैसा भी आपने जो साथी शुरू से जुड़े हुए हैं वो अच्छे से बेटर बता पाएंगे कि आपके जो हमने आज 35 भाग कंप्लीट कर लिए हैं सीरीज़ के, तो ये 35 भाग आपको कैसे लगे, आपको अपने ऊपर कुछ लग रहा है कि हमने कुछ किया है देखा है या नहीं लग रहा है, तो कैसा आप अपने जो सुझाव है वो ज़रूर बताएं, फीडबैक जो है आपका एक। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा अव्यस्य, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, कि जो सभी तीनों लिंगों में सभी व्यक्तियों में समान होते हैं वो कौन से क्या होते हैं, अव्यय। उभय पदार्थ प्रधान है समासक है, जिसमें दोनों जो पद हैं वो प्रधान होते हैं, समास कौन से था, पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या कर्मधारय है। उभय पदार्थ प्रधान है समासक है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि, द्वंद्व है और कर्मधारय है। तो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास होता है, हमारा द्वंद्व। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा, जैसे हमें पता है कि अविभाव समास में पूर्व पद, तत्पुरुष में उत्तर पद,
और बहुव्रीहि में अन्य पद और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही जाएगा। उभय पदार्थ और द्वंद्व के जो भेद हैं वो आप मुझे बताएंगे, द्वंद्व के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे मुझे, और दोनों भेदों में अगर आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं तो वो और अच्छी बात है। कि मैं जो भी क्वेश्चन आपको पूछता हूँ उसके बारे में ये नहीं कि हमने जो पूछा है वहाँ, अगर द्वंद्व से मतलब आप जो भी आप समझ रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में द्वंद्व समास से समझ आ रहा है, आप वो पूरा अपने शब्दों में अपने भावों को वहाँ पर प्रकट करें, वहाँ पर लिखें जितना आप जानते हैं, और लिखने में देवनागरी लिपि का प्रयोग करें। सम्यताम अलो अंत्यात पूर्व वर्ण है किम संज्ञा है, गति, नदी, घी और उपदा। अलो अंत्यात पूर्व वर्ण है किम संज्ञा है, गति, नदी, घी और उपदा। तो यहाँ पर कौन सा संज्ञा होता है, अलो अंत्यात पूर्व उपदा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी अलो अंत्यात पूर्व वर्ण है किम संज्ञा है उपदा। इसमें क्या होता है कि जो अंत्य अल से पूर्व वर्ण जो है उसकी वो क्या होता है, उपदा संज्ञक होता है, अंत्याद अल है पूर्व वर्ण है उपदा संज्ञा है। कि जैसे अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या है, जैसे सख जमा अन है, तो यहाँ पर क्या है जो अंत्य अल जो है वो नकार है, तो इससे पूर्व वर्ण अकार है उसकी क्या होगी, उपदा संज्ञा होगी यहाँ पर। तो ये अलोन्त्याद पूर्व वर्ण है किम संज्ञक है, तो होता है उपदा संज्ञक, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला ऑप्शन है रुच्यर्थानां प्रियमाण है इति सूत्रेण का संज्ञा विधीयते, अपादान, संप्रदान, अधिकरण और प्रातिपदिकम। रुच्यर्थानां प्रियमाण है इति सूत्रेण का संज्ञा विधीयते, रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रियमाणो अर्थः संप्रदानम् स्यात्, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रुच्यार्थानां प्रियमाण है धातुनाम प्रयोगे प्रियमाणो अर्थ है संप्रदान संज्ञा, कि रुचि अर्थक धातुओं का प्रयोग होने पर जिसे रुचिकर लगे उस कारक को संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे हरियो रोचते भक्ति, की हरि को भक्ति अच्छी लगती है, रुचिकर लगती है। बालकाय मोदका रोचनते, बालक को जो लड्डू हैं वो अच्छे लगते हैं। इस तरह से बाल का है खंड सरकरा रोस्ते, की बालक को खांड अच्छी लगती है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला ऑप्शन है वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति वाक्य लक्षण है रसात्मकम पदस्य अर्थ है कै, रसे स्वाद है यस्मिन तत्, रसे सार है यस्मिन तत्, रसे चमत्कार है यस्मिन तत्, और रस है जीवातु यस्मिन तत्। ध्यान से देंगे सभी जो ऑप्शन है, सभी को ध्यान से देखें, एक बार समझें पढ़े, कैसे में कई बार कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है हमें। वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति काव्य लक्षण रसात्मकम पदस्य अर्थ है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो सही होगा, रस एव जीवातु यस्मिन तत्, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, रस एव जीवातु यस्मिन तत्। और जो साथी संस्कृत के लिए टीचिंग कर रहे हैं तो उनके लिए जैसे कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल मैंने बनाया हुआ है, ये भी मेरी भी वीडियोज़ हैं सभी यहाँ पर, तो हम यहाँ पर जो भी NCERT बुक से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं, जैसे इसके अलावा जैसे हमने स्कूल में हमें जरूर से मम विद्यालय है इसमें, या अस्माकम विद्यालय मम परिचय है इस तरह से, या संस्कृत की जो बेसिक नॉलेज है उसके लिए ऐसी वीडियोज मेरे द्वारा अपलोड की गई हैं, तो यहाँ पर आप इस चैनल को सर्च करके कौशिक ऑनलाइन क्लासेस उसको फॉलो कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, काव्यस्य उत्कर्ष हेतु है के भवन्ति, रसः अलंकाराश्च गुणालंकार रीतिः है, वस्तु रस अलंकार ध्वन्यः है, या रसः रीतिश्च। काव्यस्य उत्कर्ष हेतुः के भवन्ति, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है गुणालंकार रीतिः है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, गुणालंकार रीतिः है। अगला प्रश्न है संकेतितार्थस्य बोधिका का अभिधा लक्षणा व्यंजना या तात्पर्य वृत्ति, संकेतितार्थस्य बोधिका का अभिधा लक्षणा व्यंजना या तात्पर्य वृत्ति।
तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा अभी था। ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही जाएगा अभी था। आकांक्षा नाम अर्थ प्रतीति ही प्रतीति पर्यवसानम अर्थ प्रतीत बाधा अभाव है प्रतीति पर्यवसान विरह है। आकांक्षा नाम तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी है प्रतीति पर्यवसान विरह है। आकांक्षा नाम प्रतीति पर्यवसान विरह है तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है। कुशल सदस्य व्युत्पत्ति कहा कुशान लुनीते कुशान लवीति कुशान लुनाती या कुशान लाती। कुशल सदस्य व्युत्पत्ति ही कहा कुशल शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो कैसे है कुशान लुनीते कुशान लवीति कुशान लुनाती या कुशान लाती। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो होगा कुशान लुनीते। डी ऑप्शन जो हमारा सही जाएगा यहाँ पर कुशान लुनीते। रूढ़ उपादान लक्षणाय उदाहरण किम कुंता प्रविशंति श्वेतो धावती गंगायाम घोष है और आयुर्घृतम। रूढ़ उपादान लक्षणाय उदाहरण किम तो यहाँ पर होगा श्वेतो धावती। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा श्वेतो धावती। फलम नाटकम कति संधि संधि समन्वितम भवति दस संधि समन्वितम षट संधि समन्वितम पंच संधि समन्वितम या चतुस्संधि समन्वितम। नाटकम कति संधि समन्वितम। और साथियों देखो वीडियोज आपको कैसी लग रही हैं उसके लिए लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है या अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक करें जो भी करें, लेकिन आपका जो है कम से कम वीडियो के ऊपर 100 हमें मिलने चाहिए कि आपको कैसा आपका जो आप जो सुझाव है कि साथी होगा जो भी आप कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में के अंदर लिख सकते हैं या इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज छोड़ सकते हैं या इंस्टा पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर नाटक में कितनी संधि है तो वह है पंच संधि समन्वितम। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है। और वो पांच संधियाँ कौन कौन सी हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे सभी को। नाटकम कति संधि समन्वितम बहुत ही पंच संधि समन्वितम, क्योंकि ये जो प्रश्न है ऐसे वो बहुत बार डिस्कस हो चुके हैं और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है तो ये हमें पता होने चाहिए। हमारे जैसे संधि नाम आता है तो उसी समय हमारे दिमाग में वो प्रश्न के आंसर जो है ऑप्शन सही आ जाना चाहिए। दसु रूप केसु एतन न बहुत ही त्रोटकम यह मृग है प्रकरणम और प्रहसनम। दस जो रूपक है उनमें से यह नहीं है त्रोटक यह मृग प्रकरण या प्रहसन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा त्रोटकम। तो ए ऑप्शन जो हमारा सही जाएगा त्रोटकम। दस्यु रूप केसु एतत् न भवति त्रोटकम, क्योंकि यह हमारी प्रकरण और प्रहसन ये क्या है दस रूपक हैं दस रूपकों में से हैं लेकिन त्रोटक यहाँ पर रूपक नहीं है। यहाँ पर हमें मिलान करना है भाण है व्यायोग है समवकार है डिम है मायेन्द्र जाल भूयिष्ठ है द्वादश नायकोपेत है धूर्तचरितम अस्त्री नियमित सम्र है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा सबसे पहले हम मिला के देख लेते हैं। भाण है जो क्या है इनमें कौन सा है तो वो है धूर्तचरितम। तो यहाँ पर हमारा व्यायोग है तो यहाँ पर होगा अस्त्री निमित सार है समवकार है द्वादश नायकोपेत है और डी में है मायेन्द्र जाल भूयिष्ठ है। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। भाण है धूर्तचरितम व्यायोग है अस्त्री निमित सार है समवकार है द्वादश नायकोपेत है और डी में है मायेन्द्र जाल भूयिष्ठ है। जी साथियों स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन सही है। इस तरह से 3 4 2 1 भाण के साथ तीसरा धूर्तचरितम व्यायोग है अस्त्री में सार 3 4 फिर समकार 2 द्वादश नायकोपेत है और डी में है मायेन्द्र जाल भूयिष्ठ है। तो बी ऑप्शन सही है हमारा। तो
साथियों आप मुझे कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लें। जैसे भी जो भी हमें एनसीईआरटी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो साथियों आज हमारा ये 35वां भाग था इस सीरीज़ का। आपको ये कैसी लग रही है ये सीरीज़, अपने जो सुझाव हैं जो जैसा भी आपको लग रहा है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं और लाइक करें। कम से कम वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स आने चाहिए। तो सभी साथियों का धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। साथियों ये जो एक दौर है ये निकल जाएगा। एक दूसरे साथी किसी संपर्क में रहें, किसी को हम जैसे अभी घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो कम से कम हम लोग एक दूसरे से संपर्क में रह सकते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया है, अगर किसी साथी के साथ में समस्या, कोई परिवार में समस्या या कोई किसी भी तरह से ग्रस्त है तो आप उसे कहीं ना कहीं उसको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, उसके साथ में काउंसलिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये जो समय है जो ज़्यादा प्रभाव जो है वो हमारा एक साइकोलॉजिकली होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम साइकोलॉजिकली ज़्यादा वो कहीं ना कहीं आधा अगर तो उसी समय आदमी परेशान हो जाता है जब उसको पता लगता है कि ऐसा कुछ हो गया है, तो हमें साइकोलॉजिकली उसको परेशान नहीं होने देना है। तो ऐसे एक दूसरे को काउंसलिंग करें, साथ ही सभी संपर्क में जुड़े रहें, ज़्यादा परेशान ना हो। और जितना हो सके मैं तो यही सुझाव दूंगा आपको कि न्यूज़ चैनल से दूर रहें, क्योंकि जितना हम लोग देखते हैं उतना ही हमें कहीं ना कहीं एक मेंटली हमें इसका होता है कि कहीं ना कहीं क्या सिचुएशन हमें दिखाई जा रही है। तो सबसे बेस्ट तो यही है कि आप जितना भी हो अपना न्यूज़ चैनल इससे मैं अवॉइड ही करें। तो धन्यवाद साथियों, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। बाकी मेरा सुझाव अगर आपको लगता है कि देखने से हमें ये होता है तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं कुछ साथी की, हाँ पॉजिटिव मतलब उस चीज़ को देख के हम अच्छे से कि हाँ नहीं हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि आज के समय में पॉजिटिव जो है सबसे नेगेटिव वर्ड बन चुका है। पॉजिटिव बोलने में अपने आप में ये लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखें साथियों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, शुभ रात्रि। और अपने जो सुझाव हैं वो ज़रूर देते रहें। फीडबैक जो है आपका, ये 35 भाग हमने कंप्लीट कर चुके हैं तो अपने जो, क्योंकि एक महीने से ऊपर हमारा 2 महीने लगभग क्लास हो चुकी है, बीच में कई बार छूट जाते हैं एक दो भाग, तो लगभग 2 महीने से हमारी क्लास चल रही है। तो आपको ये कैसी लग रही है तो वो ज़रूर बताएँ। धन्यवाद साथियों, शुभ रात्रि।